हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। जब भी बॉलीवुड की बात आती है तो कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की इमेज दिमाग में आती है जो फिल्मों में काम करती हैं, ग्लैमरस दिखती हैं, स्टाइलिश ड्रेसेस में नजर आती हैं और किसी भी मुद्दे पर संभल कर बात करती हैं। लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जो आए दिन मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलती हैं। सरकार के हर फैसले पर इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ तो ऐसी हैं जो सिर्फ इसी ताक में बैठी रहती हैं कि आखिर कैसे सरकार के खिलाफ बयानबाजी की जाए, फिल्में चल रही हो या नहीं, लेकिन मोदी सरकार को कैसे बदनाम करना है, इसके लिए कुछ फिल्मी एक्ट्रेसेस झूठा प्रोपोगंडा फैलाने में लगी हुई हैं। अब CAA को ही ले लीजिए। जब से सरकार ने CAA पर फैसला लिया है, ये लोग अपने बयानों को लेकर सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो चलिए इंतजार किस बात का, बताते हैं आपको कौन है बॉलीवुड की सबसे जहरीली हसीनाएं। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपने टैलेंट के दम पर फिल्मों में मेल एक्टर से ज्यादा फीस पा चुकी हैं। इसके साथ वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस भी बन चुकी हैं। लेकिन CAA का इन मैडम ने भी विरोध किया था और सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने के चलते वो खूब ट्रोल भी हुई थी। इतना ही नहीं, छपाक की रिलीज के दौरान दिल्ली में हुए JNU प्रोटेस्ट में शामिल होकर दीपिका ने सरकार का विरोध किया। इस दौरान दीपिका कुछ बोली तो नहीं, लेकिन बिना बोले बहुत कुछ कह गई, जिसका असर उनकी फिल्म पर भी पड़ा। नतीजा सरकार के खिलाफ जाने के चलते लोगों ने उनकी फिल्म छपाक को भी बॉयकॉट कर दिया था। तापसी पन्नू। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक शानदार एक्ट्रेस के साथ साथ बेबाकी के लिए भी पहचानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देना हो या देश से जुड़े किसी मुद्दे पर अपनी राय रखनी हो, तापसी कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन तापसी पन्नू भी अपनी फिल्म से पहले CAA मुद्दे को लेकर हुई रैली में शामिल हुई थी और उन्होंने भी CAA को लेकर जहर उगला था। इसे लेकर उनकी फिल्म का विरोध भी हुआ, लेकिन तापसी अपने कदम पर पछतावा करती नहीं दिखाई दी। स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर CAA और JNU हिंसा पर सबसे ज्यादा बात करती हुई दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया से लेकर वो न्यूज चैनलों में डिबेट करती हुई भी नजर आई। अपने बयानों के चलते स्वरा भास्कर को सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से स्वरा भास्कर बिल्कुल भी बाज नहीं आती है। नागरिकता कानून को लेकर लगातार स्वरा मोदी सरकार पर बयानबाजी करती ही रहती है। इतना ही नहीं, इस कानून के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में भी शामिल होती है। सरकार को नीचा दिखाने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ती। सोनम कपूर। बॉलीवुड एक्टर सोनम कपूर भी हर मुद्दे पर अपनी ओपिनियन देती नजर आती है। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर भी बात की थी। स्वरा की तरह सोनम कपूर को भी अपने बयानों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का सामना करना पड़ता है। मोदी सरकार की नीतियों पर वो हमेशा सवाल उठाती रही है, लेकिन ट्रोल होने के बाद भी वो विवादित बयान देती रहती है। ऋचा चड्ढा। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भी मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आती है। मोदी सरकार के खिलाफ वो हमेशा बयानबाजी करती है। CAA को लेकर वो कई बार PM मोदी और अमित शाह पर अपनी बौखलाहट निकाल चुकी हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी लताड़ भी लगती रहती है, लेकिन वो अपने विवादित बोलों से बाज नहीं आती हैं। इन एक्ट्रेसेस के अलावा पूजा बेदी और पूजा भट्ट भी मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलती हैं। हाल ही में जब PM मोदी ने सोशल मीडिया छोड़ने की बात कही थी, तब पूजा बेदी ने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि अब ये सोशल मीडिया भी बैन कर देंगे। इसके अलावा महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट भी हमेशा ही मोदी सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान देती रहती हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं। इसके अलावा उन्होंने CAA के खिलाफ भी काफी कुछ बोला था। तो ये थी बॉलीवुड की जहरीली एक्ट्रेसेस जो जब भी बोलती हैं जहरी उगलती हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आई थिंक कोई भी जो हमें जो भी रिकग्निशन मिले वो यू नो इज़ वेरी वैलिडेटिंग और अच्छा लगता है। और हम यहाँ आए हैं बिकॉज वी हैव रिलेशनशिप्स विद द मैगजीन एंड द एडिटर, और हमें बुलाया गया है और थोड़ा टाइम स्पेयर कर सकते हैं। मैं बॉम्बे वापस डबिंग के लिए आई हूँ मेरी फिल्म के लिए। आई थिंक द इनिशिएटिव इज़ कमेंडेबल, इसलिए हम यहाँ पे हैं टू एंड not only end, sorry, can I start from the beginning? I said the initiative is commendable and that's why we are here to put our weight
literally and figuratively behind it and tell people that go out there and just, all you need is a mat and, you know, a tiny room to be able to do this. You don't even really need very complicated machinery to be able to do this form of exercise. And yoga, besides, aapko fit to rakhta hai, magar I think ke what it does, aur aaj ke daur mein jab ye pressure itna badh gaya hai, hum sab par, stress is a reality of life. And I think that yoga is the greatest stress buster. Maine jab ye 6 months ke liye yoga shuru ki thi, I realized ki zindagi bhar main saans hi galat le rahi thi. And simple things like that, when you start breathing right, you start thinking right. So I think sense of balance, strength or humility. Yoga se maine humility bahut seekhi. It's not only about touching your toes, it's about somewhere bending down and understanding. Like Sharman said, ke you suddenly realize that there are parts of your body that you didn't even know existed. So I think that overall, it's something that heals you from the inside out. बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो जिम जाते हैं. आप बाहर से देखें तो सिक्स पैक हैं और मसल्स हैं, मगर वो अंदर से बहुत अनफिट रहते हैं इन मोस्ट केसेस. सो वी आर सो ऑब्सेस्ड विथ हाउ यू लुक ऑन द आउटसाइड. को हम कोई हमें पूछता नहीं है कि भैया ये सब ठीक है, मगर अंदर क्या गूंज रही है आपके दिल में, या दिल का क्या हाल है, दिमाग का क्या हाल है, आर यू स्ट्रेस्ड आउट. एंड इन 99.9 केसेस वी आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट. सो आई थिंक दैट योगा इज आर्स. The West has popularized it and kind of somewhere given it back to us, and we are looking at it suddenly with new eyes क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक platform दिया है. तो let us kind of reclaim what is ours. Let's go back to the basics. Let's hit the mat and let us kind of breathe, stretch, relax and grow mentally and physically. I think that's my tiny way of putting it. They mean to me as much as any other brand award show. When you are an actor, you have to sort of conduct yourself like a business and you become your own product. So I think self-awareness about that is very important. Well, main aaj La Senza ka Girls Night Out collection launch karne ke liye aayi hoon. And मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मुझे लगता है कि innerwear जो होता है वो किसी भी इंसान के जीवन में, बट खास करके अगर आप एक वर्किंग गर्ल हो तो उनके जीवन में बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे तो आपका पूरा दिन काफ़ी बर्बाद जा सकता है. एंड आई थिंक दैट ला सेंजा एक ऐसा ब्रांड है जिसने हमेशा महिलाओं के लिए नॉट जस्ट कंफर्टेबल लेकिन बहुत ही खूबसूरत जो डिज़ाइंस हैं वो बनाए हैं इनर वेयर के. एंड आई थिंक दैट एज अ ब्रांड वो मुझे जो अच्छा लगता है वो ये कि ला सेंजा जो महिलाओं का शरीर है उससे सेलिब्रेट करता है, उससे लाज शर्म और हया के कंबल में ढांपता नहीं है. ऑब्वियसली कर भी नहीं सकता है क्योंकि लॉजरी ब्रांड है, लेकिन यू नो द वे इन विच वो फीमेल बॉडी को सेलिब्रेट करता है बिना बिना शर्म के, बिना फालतू के किसी अननेसेसरी सेंस ऑफ शेम के, मुझे लगता है ये अच्छी बात है. क्योंकि अगर हम सेल्फ लव की बात करें या हम बॉडी पॉजिटिविटी की बात करें या शरीर और खुद को लेकर किसी भी किस्म के सकारात्मक सोच की बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को एम्ब्रेस करें, आप उसे एक्सेप्ट करें. एंड बेस्ट चीज़ ऑफ कोर्स अबाउट ला सेंजा इज़ कि इट डजेंट मैटर आपका साइज़ क्या है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप एप्पल शेप हो कि पेयर शेप हो कि आर ग्लास शेप हो, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसमें आप ना सिर्फ कंफर्टेबल होंगे लेकिन आप खूबसूरत भी महसूस करेंगे. काल लगी तो मैंने उसको फाइनल बात पूरी कर दी. जब उन्होंने फाइनल बात सुन ली तो मुझे कहते हैं भाई साहब अभी तो 2 दिन हैं बाकी, इसमें 3 दिन हैं, अमेरिका आपसे 12 घंटे बाद भी है. तो मैं सुबह जो फ्लाइट जाती है ना वहाँ जाऊँगा एडमिटर और जाके एडमिशन करवा के पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करवा के आपको इन्फॉर्म करता हूँ, बच्चों को आने दो जो सो भी जाते. तो मैं ये सारा करके तो वापस आया फिर एयरपोर्ट पे. उस वक्त मुझे 7 घंटे 6 घंटे लग गए थे ये काम करने में. तो वापस आया तो पता चला कि सारे पैसेंजर जो हैं वो एयरलाइन ले गई है कि उनका जहाज़ जो है ठीक हो गया दूसरा और उसमें वो जा रहे हैं. अब आपके पास कितना टाइम है मैं उतना बताऊँ. सर नहीं, अभी और भी आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे इतना बताइए, आपने जब उसको अमेरिका छोड़ा सब कुछ आप करवा रहे थे उसको, आपके जो बाकी रिश्तेदार होंगे क्योंकि लड़कियां उस उम्र में जब आ जाती हैं तो पूछा बोला जाता है उसकी शादी करा दो अभी वरना लोग क्या कहेंगे कैसे. मेरी अपनी ये ख्वाहिश थी. अच्छा, आप इसकी शादी करा दो. मेरी ख्वाहिश थी कि भाई अब ये पढ़ के आ गई है तो इसकी शादी करेंगे.
और उसने शादी कर ली किसी अमेरिकन से. शादी तो उसने बाद में की ना जब पढ़ने के लिए. इवेंचुअली उसने अमेरिकन से शादी कर ली. वो सब जो था वो फैमिली ने फिर एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी.